हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अभिमन्यु आईएएस। सो टारगेट आईएएस 2021 में आप सभी का स्वागत है और आई होप कि आपकी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशंस बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होंगी। बस आप लोग अपने प्रिपरेशंस को कंटिन्यू रखें और करंट अफेयर्स में कोई भी डाउट रहता है वो आप लोग बताते रहें, क्लियर। अगर बात करें टारगेट आईएएस 2021 सेशंस की, तो इसके अंदर हम लोग करंट अफेयर्स को कवर अप कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स काफ़ी बड़ा पेपर में इम्पॉर्टेंट, बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दोनों में, प्रीलिम्स और मेंस में। और ये सेशन आपके लिए 2021 को देखते हुए पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हमने इन सेशंस के अंदर ना मार्च 2026, अप्रैल 2021 के वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर अप कर रहे हैं। और ये सेशन आपका चलेगा 70 डेज के लिए, और याद रखें बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी में, कोई भी ब्रेक नहीं होगी। यानी कि बिफोर 2021 प्रीलिम्स हमारा ये सेशन बहुत ही बढ़िया ढंग से कवर अप कर लेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग इन सेशंस के अंदर ना हर एक न्यूज को काफी डिटेल्ड और एक्सप्लेन मैनर से स्टडी कर रहे हैं। और बात करें अभी तक हमने मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई को कवर अप कर लिया है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 मंथ्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं 26 लेक्चर्स के अंदर। और स्टूडेंट्स, अगर बात करें आज का लेक्चर, तो आज का लेक्चर हमारा 27th लेक्चर है और हमारा पहला लेक्चर होगा अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के ऊपर। याद रखें, अब कोई भी स्टूडेंट जो पहली बार मेरा लेक्चर देख रहा है, उससे रिक्वेस्ट है कि ये सेशन कंटिन्यू होने के बाद आप लोग पहले 1 से लेक्चर 26 तक भी कॉन्टिन्यूटी में देखें, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्लियर। क्योंकि ना हर एक करंट अफेयर दूसरे करंट अफेयर से किसी ना किसी तरीके से लिंकअप होता ही होता है, और हमने ये चीज़ें प्रूफ भी की, हमने यहाँ पे देखा भी है, क्लियर। और शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 27th बेस्ड ऑन द अगस्त 2020 करंट अफेयर्स। और मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन दूँ तो, स्टूडेंट्स, माई सेल्फ करम अग्रवाल, आई एम करंट अफेयर मेंटर इन द अभिमन्यु आईएएस। तो लीजिए, हमारी आज की सबसे पहली न्यूज रहती है मुस्लिम वुमेन्स राइट डे, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 1। जनरल स्टडीज पेपर 1 के लिए आपकी ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो शुरू करें हम लोग, अब कंसेप्ट देखें यहां पे। यहां पे सबसे पहला ही पॉइंट आता है कि 1st of August हैज बीन रिकॉर्डेड एज द मुस्लिम वुमेन राइट्स डे। तो 1 अगस्त को एक हमने क्या ऑब्जर्व किया कि उस दिन मुस्लिम वुमेन राइट्स डे है पूरे भारत के अंदर इन द कंट्रीज हिस्ट्री। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टू मार्क द फर्स्ट एनिवर्सरी, मतलब एक साल कंप्लीट हो गया, तभी तो बोल दिया ना कि टू मार्क द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द पैसेज ऑफ मुस्लिम वुमेन्स एक्ट 2019। अरे वो कौन सा एक्ट था? वो था प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैरिज। यानी कि जो हमने न्यूज को देखा था पिछले साल 2019 में ट्रिपल तलाक को लेकर, तो उसको एक साल हुआ, तभी तो लिखा है टू मार्क द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द पैसेज ऑफ मुस्लिम्स वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन द मैरिज एक्ट 2019। क्लियर है? यहां पे ये मैं इसको पहले ही बोलता हूं प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं यहां पे, ये बोलते हैं कि द एक्ट मेक्स ऑल डिक्लेरेशंस ऑफ तलाक इंक्लूडिंग इन रिटन और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू बी अवॉइड। अब कंसेप्ट है कि या तो रिटन में हो या फिर इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में हो, उसको अवॉइड करना है भारत के अंदर, दैट इज नॉट एनफोर्सेबल इन द लॉ एंड इलीगल। तो ये इलीगल माना जाएगा आपका, कहते इट ऑल्सो मेक्स अ डिक्लेरेशन। तो ये कानून मुस्लिम्स वुमेन एक्ट 2019 ये डिक्लेयर करता है कि जो तलाक है एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। मतलब क्या रहता है? कहते इफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑफेंस इज गिवन बाय अ मैरिड वुमेन अगेंस्ट हुम तलाक हैज बीन डिक्लेयर्ड, तो हम लोग उसको ऑफेंस बोलते हैं। वो कौन सा है? कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल, क्लियर है? Attracting up to 3 years imprisonment, तो 3 साल की सजा हो सकती है with a fine. Next आया कि the magistrate may grant bail to the accused
The bail may be granted only after hearing the woman against whom talaq has been pronounced. If the magistrate is satisfied that there are reasonable grounds for granting the bail. अब accused को bail भी मिल सकती है, but on the particular grounds, उसको grounds prove करने होंगे accused को. Next आता है आगे, कहते the offence may be compounded, मतलब कि parties may arrive at a compromise by magistrate upon the request of the woman against whom talaq has been declared. तो ये एक basics हैं, ये एक procedural जो हमने second last और last point पढ़ा ना, ये procedures हैं जो हमें करने रहते हैं, जो हम लोग follow करते हैं by the Indian judiciary. Clear है ना? Next आया, बोलते हैं a Muslim woman against whom talaq has been declared. अब वो Muslim woman जिसके against talaq declare किया गया is entitled to seek subsistence allowance from her husband for herself and for her dependent children. तो यानी कि एक तरह का मेंटेनेंस बोल सकते हो आप लोग, क्लियर है, जिसको खर्चा भी बोल सकते हैं आप लोग. यहाँ पे लिखा द ट्रिपल तलाक वॉज हेल्ड टू बी वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14. अब ये मैं इसको मेंस के लिए इंपॉर्टेंट बोलता हूँ. यहाँ पे इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस जो पॉइंट्स मिलते हैं ना, वो हमें मेंस के लिए इंपॉर्टेंट करना होता है. कहते द ट्रिपल तलाक जो हेल्ड है वो वायलेशन है आर्टिकल 14 का, मतलब राइट टू इक्वेलिटी का, जो हमारा फंडामेंटल राइट है. कहते विच इज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम शाह बानो केस 1986 टू सहायरा बानो केस इन 2017. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आया कि आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज रिलीजियस फ्रीडम. अब फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 25 का भी जिक्र है कि पूरे भारत के अंदर कोई भी सिटीजन कोई भी धर्म को अपना सकता है, उसको प्रैक्टिस कर सकता है. हम लोग एनफोर्सेबल नहीं कर सकते किसी भी सिटीजन को. तो ये लिखा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करता है रिलीजियस फ्रीडम को भारत के अंदर, एज द फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एंड द प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन्स लाइक ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स. इट इज सब्जेक्ट टू restrictions and does not protect religious part. यहाँ पे लिखा कि it is subject to restrictions. अब ये restrictions लगाई गई हैं and does not protect religious practices that can negatively affect the welfare of the citizens. Hence, Article 27 is overridden by the Article 14. अब concept है, आर्टिकल जो 25 है जो डिक्लेयर किया गया है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, उसको ओवररिडन किया गया बाय द आर्टिकल 14. वो भी फंडामेंटल राइट, मतलब राइट टू इक्वलिटी, विच गारंटी दैट द राइट टू इक्वलिटी एज ट्रिपल तलाक डिनाइज अ मुस्लिम वुमेन इक्वलिटी बिफोर द लॉ. ये इंपॉर्टेंट, ये प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ये डाटा आपका. क्लियर है? मैं आगे बढ़ सकता हूँ. ओके, नेक्स्ट आया यहाँ पे, कहते जो आर्टिकल 25 है, जो आर्टिकल 25 जो हमने अभी पढ़ा ना कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है भारत के अंदर, इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू आर्टिकल 15 क्लॉज 1 विच स्टेट्स दैट द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट. अब भारत आपका किसी के साथ भी, भारतीय सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेट भेदभाव नहीं करेगा अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ. अब कौन से ग्राउंड्स? धर्म, रेस, सॉरी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स. कहते सिंस ट्रिपल तलाक डज नॉट वर्क इन द फेवर ऑफ वुमेन. कंसेप्ट देख लीजिए, यहाँ पे बोला गया है कि ट्रिपल तलाक डज नॉट वर्क, हम फेवर नहीं कर सकते यहाँ पे औरतों के लिए. अगर किया जाता है तो वो वायलेशन है आर्टिकल 15 का भारत संविधान के तहत. क्लियर? ये एक बेसिक डेफिनेशन थी, ये एक बेसिक डेफिनेशन है. बट स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. अगर यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो रिक्वेस्ट करता हूँ आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे आपके कमेंट सेक्शंस को नोट डाउन कर रहा हूँ और कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डेली बेसिस पे वीडियोज को वॉच भी कर रहे हैं और आई थिंक वो नोट्स भी बना रहे होंगे यहाँ पे. और अगर नोट्स नहीं बना रहे हो स्टूडेंट्स तो प्लीज रिक्वेस्ट है पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, जो आपके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक गिवन है, आप वहां से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए. क्योंकि अगर ये चीज आप करते हो ना, ये कॉन्टिन्यूटी में रहता है, तो आपको गारंटी 100% इसका एफिशिएंसी आप अपने एग्जाम्स में देखोगे इसको. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. अब मुस्लिम वुमेन राइट्स डे के तहत कि ट्रिपल तलाक डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे लिखा द ट्रिपल तलाक इज अ प्रैक्टिस मेनली
ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो मेनली कौन प्रैक्टिस करता है, कहते सॉरी प्रैक्टिस मेनली टू प्रिविलेंट अमंग इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी फॉलोइंग द हनाफी इस्लामिक स्कूल्स ऑफ लॉ। क्लियर? अब अंडर द प्रैक्टिस अ मुस्लिम मैन कैन डाइवोर्स। अब इस ट्रिपल तलाक के तहत जो मुस्लिम मैन है वो डाइवोर्स दे सकता है अपनी वाइफ को, हिज वाइफ, बाय सिंपली अटरिंग तलाक 3 times, अगर वो तलाक 3 बार बोलता है तो। बट वुमेन कैन नॉट प्रोनाउंस ट्रिपल तलाक एंड आर रिक्वायर्ड टू मूव अ कोर्ट। तो वुमेन उसके अगेंस्ट कोर्ट में मूव कर सकती है फॉर गेटिंग डाइवोर्स अंडर द सहारिया एक्ट 1937। इम्पॉर्टेंट, ये चीज इम्पॉर्टेंट रहती है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको प्री प्लस मेंस दोनों के लिए लगा दो। तो वो कौन सा कानून है जब मुस्लिम वुमेन डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है अगेंस्ट हिज हस्बैंड, मुस्लिम हस्बैंड? तो वो है आपका डाइवोर्स अंडर द शहारिया एक्ट 1937। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। लिखा कि द ट्रिपल तलाक डाइवोर्स इज बैंड बाय मेनी इस्लामिक कंट्रीज। अब इसको बैन कर दिया गया है काफी इस्लामिक कंट्रीज के द्वारा, जिसके अंदर आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड इंडोनेशिया में भी है इसके इफेक्ट्स। क्लियर? तो यहाँ पे बैन है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अब यहाँ पे देखते हैं कि जो मुस्लिम वुमेन राइट्स डे 1 अगस्त को देखा गया है, सेलिब्रेट किया गया है, उसके जो एडवांटेजेस हैं वो क्या चीज रहते हैं। यहाँ पे लिखा गया कि द इम्प्लीमेंटेशन कंसेप्ट देखें आप लोग, यहां पे लिखा कि ये इंप्लीमेंट होने से, ये कानून इंप्लीमेंट होने से हमें क्या दिखा कि डिक्लाइन हुआ ऑफ अबाउट कितना, 82% इन ट्रिपल तलाक केसेस इन इंडिया, भारत में। कहते इट हैज स्ट्रेंथन्ड सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, एक अपनी रिस्पेक्ट होगी, एक सेल्फ रिलायंस बनता है इससे, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है इम्प्लीमेंटेशंस जो मुस्लिम वुमेन राइट्स डे के अंदर हमने ट्रिपल तलाक को डिक्लेयर किया था, जो भारत के अंदर इम्प्लीमेंट किया कि 82% केसेस कम हो गए। इवन इससे सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस बना भारत के अंदर मुस्लिम वुमेन्स में। याद रखें ये चीज बेनिफिट देती है हमें। क्लियर है? हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। तो आज की हमारी नेक्स्ट न्यूज रहेगी कॉन्ट्रेक्शन इन द कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जीएस पेपर 3 के लिए, जनरल स्टडीज पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका। तो देखते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखा गया द आउटपुट ऑफ 8 core industries। अब कंसेप्ट है 8 core industries की जो रिजल्ट्स आए वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर द 4th consecutive month। अब कंसेप्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ रहे हैं फॉर द 4th consecutive month। अब कितना श्रिंकेज हो गया, 15% का इन द जून 2020। लिखा गया 8 core sector। अब ऐसी कौन सी 8 core sector industries हैं भारत के अंदर? सबसे पहले तो एक कोल याद रखें, 8 core sector industries अगर हम लोग पढ़ते हैं तो ये रॉ मटेरियल के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। कोल जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भारत के 8 core sectors हैं जिनका अगर आउटपुट आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है 4th consecutive month से भी। और कितना हुआ श्रिंक, कितना हो गया, कितना कमी आ गई है 15% की। क्लियर है? कहते हैं दीज 8 industries अकाउंट फॉर
40.27% इन द इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस। तो कंसेप्ट देख लीजिए कितना परसेंटेज है, किसके द्वारा ये डाटा आया, ये आया है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस के इंडेक्स के ऊपर। यहां लिखा गया कि अप्रैल से जून के मंथ में 2020 द सेक्टर्स आउटपुट, तो ये 8 के 8 जो इंडस्ट्रीज हैं इसकी जो आउटपुट आई वो कम हो चुकी है 24.6%। इतनी गिरावट आई है एज कंपेयर टू द पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ, अगर ये तो आ गई गिरावट तो ग्रोथ कभी ना कभी तो किया होगा, वो ग्रोथ 3.4% की थी इन द सेम पीरियड प्रीवियस ईयर। मतलब अगर मैं बात कर लूँ अप्रैल से जून की 2019 की, तो यही 8 आपकी कोर इंडस्ट्रीज ने पॉजिटिविटी दिखाई, इनकी ग्रोथ दिखाई थी 3.4% की, और अप्रैल से जून 2020 इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुई है, डिप हुई है 24.6%। तो आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा डिप हो गया, क्लियर, प्रीवियस ईयर से। तो नेक्स्ट बोला गया, हाउ एवर 15% कॉन्ट्रेक्शन जो हुआ जून 2020 में इम्प्लाइज सम इकोनॉमिक रिकवरी एज इन द मे 2020 द इंडस्ट्रीज आउटपुट कॉन्ट्रैक्टेड बाय द 22%। अब कंसेप्ट देखें, जो 2020 जून में इकोनॉमिक रिकवरी हुई और मई में भी, तो यही कॉन्ट्रैक्ट अब बढ़ गया, सॉरी अब कितना रह गया था 22% का। इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट द नेगेटिव ट्रेंड टू कॉन्टिन्यू फॉर एटलीस्ट 2 more months। तो इकोनॉमिस्ट हैं जो भारत के अंदर, उनका मानना था कि ये जो नेगेटिव ट्रेंड आया है ये अभी और 2 महीने चलेगा, ड्यू टू लॉकडाउन, ड्यू टू COVID-19 पेंडेमिक आउटब्रेक जो हो गया था पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में, क्लियर है ना। नेक्स्ट आया कि इंडस्ट्री वाइज परफॉर्मेंस क्या रहती है यहाँ पे, तो देखिए लिखा द फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री, जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है जो कोर सेक्टर के अंदर आती है, 8 core sector में से एक इंडस्ट्री आपकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, इज द ओनली वन विच सॉ एक्चुअल ग्रोथ। तो 8ों में से सिर्फ आपकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है जिसने ग्रोथ दिखाई जून के महीने में, और उसकी आउटपुट कितने 4.2% की बढ़ोतरी से इन कंपेरिजन टू द जून 2019, क्लियर। कहते हाउ एवर इज द लोअर देन मई 2020 ग्रोथ ऑफ 7.5%। अब कंसेप्ट है, बट फिर भी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ने ग्रोथ दिखाई थी मई 2020 में कितनी 7.5% की, अब मई के बाद जब जून आया इसकी आउटपुट कितनी रह गई थी 4.2, क्लियर। नेक्स्ट आया, बट रिफ्लेक्ट द पॉजिटिव आउटलुक इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वेयर अ नॉर्मल मॉनसून इज लीडिंग टू एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ गुड खरीफ क्रॉप, क्लियर है। यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, मेन से नहीं, सिर्फ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ। क्यों, अब हमने फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को तो देख लिया, अब अगर बात करें बाकी 7 बची इंडस्ट्रीज की, क्योंकि हमने 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज को देखे ना, तो उसमें से देखें कोल कितना माइनस में आ गया 15.5% का, क्रूड ऑयल -6%, नेचुरल गैस -12%, जो आपके रिफाइनरी के ऊपर प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं -9%, स्टील सबसे ज्यादा था वो था -33.8%। एक मिनट, आप लोग यहां पे स्टील को फोकस करें, अरे -33.8% यहां पे माइनस है, ठीक है ना। सीमेंट -6.9%, इलेक्ट्रिसिटी -11%, रिकॉर्ड द नेगेटिव ग्रोथ इन द जून। द स्टील सेक्टर कंटिन्यू टू रिमेन द वर्स्ट परफॉर्मर विद द 33% ड्रॉप इन द प्रोडक्शन इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। और अगर बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात देखने वाली है कि टॉप परफॉर्मर कौन है 8 core sector इंडस्ट्रीज में से, तो सबसे टॉप पे रहा, सबसे नंबर 1 पे रहा आपका फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री, और 8th मतलब सबसे लास्ट में बॉटम पे कौन रहेगा आपका, वो रहेगा आपका स्टील सेक्टर, क्योंकि स्टील सेक्टर ने 33% का ड्रॉप किया प्रोडक्शन के अंदर इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। मतलब 2019 में अगर हम लोग कंपैरिजन करें 2020 का, तो 33% की गिरावट आई है स्टील सेक्टर के प्रोडक्शन में, आउटपुट में, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है स्टूडेंट्स, कोई डाउट है ना तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखें। बढ़े आगे, ओके, यहां पे देखें आप लोग खुद, कोल -14% था कब, मई 2020 में, और जून में -15.5% हो गया। किस तरीके से बढ़ोतरी की कोल ने, क्रूड ऑयल ने हालांकि कम कर लिया था, और अगर बात करें नेचुरल गैस की
रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, और सिर्फ एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हमने एक चीज़ को देख लिया ना कि फर्टिलाइजर इज द ओनली वन, सिर्फ 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में से सिर्फ आपका फर्टिलाइजर इंडस्ट्री थी जिसने पॉजिटिव ग्रोथ शो की थी, और यहाँ पे दिखा भी है 7.5% थी मई 2020 में। अगर जून 2020 की बात करें, मतलब उसी के अगले महीने में, तो वो भी श्रिंक हो गया 4.2%। अगर देखा जाए ओवरऑल मंथ वाइज देखें तो फर्टिलाइजर को भी श्रिंकेज का फेस करना पड़ा था, क्योंकि मई 2020 में 7.5 और अगले ही महीने 30 डेज के बाद 4.2% का था। क्लियर? तो श्रिंकेज इसको भी देखना पड़ा, बट ओवरऑल ये पॉजिटिविटी मेरा। स्टील बहुत ज्यादा था, -43.1 से -33.8। सीमेंट देख लीजिए आप लोग, और इलेक्ट्रिसिटी, और ओवरऑल की अगर बात करें तो मई 2020 में -22 था और जून 2020 में -15 का हमें परसेंट का नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला, ग्रोथ देखने को, नेगेटिव ग्रोथ बोल सकते हो आप लोग। अब लिखा अन ईवन रिकवरी, कहते ईजिंग रिस्ट्रिक्शंस पुशेस एक्टिविटी, नो रिवाइवल इन द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। जून IIP जो हमने अभी इंडेक्स देखा वो श्रिंकेज सीन 15 से 25% का। अरे बिल्कुल ठीक है ना कि 15% से 25% के आसपास आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, नेगेटिव ग्रोथ। बट यहाँ पे लिखा खरीफ सोइंग एड्स फर्टिलाइजर्स ग्रोथ, बस सिर्फ यही है आपका इम्पॉर्टेंट। मैं तभी तो बोलता हूँ कि ये प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, स्टूडेंट्स ये चीज़ को ध्यान में रखना। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आया हमारे पास यहाँ पे कि कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज के अंदर ही है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस क्या चीज है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। व्हाट डू यू मीन बाय IIP? कहते द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज एन इंडेक्स, ये एक ऐसा इंडेक्स है जो शो करता है ग्रोथ को, रेट्स इन द डिफरेंट इंडस्ट्रीज ग्रुप। तो तरह तरह की इंडस्ट्रीज को ग्रुप बनाकर ये उसकी ग्रोथ को दिखाता है। ऑफ इकोनॉमी इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद इसका इंडेक्स निकलता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। क्लियर? नेक्स्ट आया यहाँ पे कहते इट इज कंपाइल्ड एंड पब्लिश मंथली बाय द नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। तो इसको पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है? नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। मैं फिर से इसको लिखता हूँ, प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के डाटा UPSC मांगता है, हालांकि बेसिक है बट चांसेस मोर है, ज्यादा है इसके आने के। स्टूडेंट्स नोट डाउन करके रखो, हाईलाइट कर लो इस चीज को, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए हाईलाइट कर देता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इसी चीज का तो हम लोग पेपर में क्वेश्चन देखते हैं कि जो आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो क्या चीज है, और उसके ऊपर कौन वर्क कर रहा है, और कौन से मंत्रालय के अंदर आया, और इसको पब्लिश किसने किया। इसको पब्लिश किया गया हर महीने नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, और ये कौन से मंत्रालय के अंदर रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये चीज आप लोग नोट डाउन करके रखें। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे नेक्स्ट आता है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है एक कॉम्पोजिट इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्यों? अरे रिप्रेजेंटेशन ना, वो दिखा रहा है जो ग्रोथ को, उसके इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को, जो तीन सेक्टर्स के अंदर है। याद रखें IIP के जो इंडेक्स आते हैं वो इंडिकेटर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो दर्शा रहा है, दिखा रहा है उस इंडस्ट्री की ग्रोथ को, और तीन क्लासिफिकेशन के अंदर, मतलब तीन पॉइंट्स के अंदर। नंबर वन ब्रॉड सेक्टर जो रहते हैं माइनिंग के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, और आपकी इलेक्ट्रिसिटी। नंबर टू अगर मैं बात करूं यूज बेस्ड सेक्टर, जिसके अंदर बेसिक गुड्स आएंगे, कैपिटल गुड्स आएंगे एंड इंटरमीडिएट गुड्स आएंगे आपके। क्लियर? और नंबर थ्री की अगर बात की जाए, कहते द 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज रिप्रेजेंट अबाउट 40% ऑफ द वेट ऑफ द आइटम्स दैट आर इंक्लूडेड इन द इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस। तो डाटा यहां तक क्लियर है आपको? कोई डाउट तो नहीं है? बढ़े आगे। हमारी स्टूडेंट्स आज की न्यूज रहेगी नेक्स्ट न्यूज, यानी कि चाइनाज प्रेजेंस नियर द इकादर वाटर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर। तो वो क्या चीज है, किस तरीके से हमने इसको कवर अप करना है, मैं पहले ही बोल देता हूं। ये न्यूज इंपॉर्टेंट है और काफी लंबी भी चलेगी, और मैं बड़े आराम से करवाऊंगा। इसमें डाटा एड ऑन थोड़ा सा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस करंट अफेयर्स न्यूज। क्लियर?
शुरू करूं? ओके, तो मैं शुरू करता हूं यहां से। यहां पे लिखा गया इकादर। अब कंसेप्ट है कि इकादर क्या? अरे इकादर एक कंट्री है जो आपका साउथ अमेरिका में रहता है, और ये रहा आपका इकादर, ये रहा स्टूडेंट्स आपका, दिस इज योर इकादर। क्लियर है? कॉन्टिनेंटल कंट्री है, कॉन्टिनेंट के पास रहता, सॉरी। यहां पे लिखा कि इकादर हैज एक्सप्रेस्ड एन ऑफिशियल डिसकंफर्ट। अब इकादर ने ऑफिशियली थोड़ा सा डिसकंफर्ट शो किया ओवर द साइटनिंग ऑफ फ्लोटाइला ऑफ 260 मोस्टली चाइनीज फिशिंग वेसल्स। अब कंसेप्ट है 260 के नियरली, नंबर भी बता दिया गया कि 260 के आसपास चाइनीज फिशिंग वेसल्स नियर द गैलापागोस आर्किपेलागोस देखा गया। ये क्या है? ये आपका आर्किपेलागो है, वो कौन सा है? गैलापागोस। और ये रहा आपका गैलापागोस। याद रखें ये एक आइलैंड है और आर्किपेलागो भी है, जो आपका कंट्री इकादर के पास है, और इसीलिए तो इकादर ने थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट शो किया। लिखते हैं यहाँ पे द फ्लोटिला ऑल्सो कंसिस्टेड ऑफ सम लिब्रिया एंड पनामा फ्लैग्ड वेसल। अब कंसेप्ट है यहाँ पे लिखा कि सम लिब्रिया एंड पनामा फ्लैग्ड वेसल्स। अरे क्योंकि अगर इसके ऊपर भी यहां तक देखा जाए ना, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? पनामा ऑफ इस्थमस। तो यहाँ पे लिखा कि कुछ लाइबेरियंस एंड पनामा फ्लैग्ड वेसल्स भी दिखे विच वॉज डिटेक्टेड इन एन इंटरनेशनल वाटर कॉरिडोर सिचुएटेड बिटवीन द टू एरियाज ऑफ इकादरियन ज्यूरिडिक्शंस। जो दिखे आपको वो इकादरियन ज्यूरिडिक्शंस में है, वो रहता है आपका 200 माइल्स अवे फ्रॉम बोथ गैलापागोस आइलैंड एंड द मेनलैंड इकादर। ये जो आपको दिखा है ना इकादर ज्यूरिडिक्शंस में, ये आपका लाइबेरियन एंड पनामा फ्लैग वेसल्स है। क्लियर? नेक्स्ट आया यहाँ पे कि जो आपका इकादर है has stated that, तो इसने क्या स्टेटमेंट दी है? That situation is repeated every year. ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी बार आपको यहाँ पे vessels देखने को मिले हैं, ये हर साल continuity में रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है, ये show किया गया इकादर की तरफ से कि stated that situation is repeated every year and such vessels reach the outer limit of the archipelago. Even जो यहाँ पे वेसल्स फिशिंग के लिए आते हैं, वो कभी कभी तो आउटर लिमिट ऑफ द आर्किपेलागो, मतलब आइलैंड से भी बाहर निकल जाते हैं, आउटसाइड द कंट्रीज एक्सक्लूसिव जोन। अब कंसेप्ट क्या है? कंट्री के एक्सक्लूसिव जोन में, कंसेप्ट देखिए यहाँ पे, जिसको हमने पढ़ा था एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से भी, EEZ के नाम से भी पढ़ा था, जब हमने साउथ चाइना सी को भी देखा था। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आया, इन 2019 245 चाइनीज, 2019 में, अगर इससे भी पीछे का डाटा देखा जाए तो 2019 में 245 चाइनीज फिशिंग वेसल्स वर साइटेड इन द एरियाज वेयर इकादर रेट्स डज नॉट एक्सटेंड। क्लियर है? यहाँ पे देखिए आप लोग की फिशिंग बैंड फॉर द चाइनीज वेसल सितंबर से नवंबर, और यहाँ पे लॉन्ग लैट भी शो किया गया है। सिमिलरली फिशिंग बैंड फॉर द चाइनीज वेसल, यहाँ पे अर्जेंटीना के पास भी आपके क्या देखने को मिलता है? चाइनीज वेसल, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो नियर द आपका अर्जेंटीना एंड ब्राजील। तो ये कंसेप्ट भी आप लोग यहाँ पे देखें। क्लियर है? नेक्स्ट बोला गया यहाँ पे, इन 2017 चाइनीज शिप had entered Ikadar's water and its authorities seized the ship. तो इकादर की जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने शिप को सीज भी कर दिया था। That time इकादर has discovered 300 tons of wildlife on board. तो उस टाइम पे जब सीज किया गया था चाइनीज शिप by the इकादर, तो शिप पे क्या दिखा? 300 tons of wildlife on board, mostly the critical endangered scalloped hammer हेड शार्क्स, इंपॉर्टेंट। प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से ये चीज इंपॉर्टेंट है कि 300 टन ऑफ वाइल्ड लाइफ हमें मिल गया था जब शिप को सीज किया गया था बाय द इकादर एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है? और उस पर क्या मिला? क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी मिली, किसकी? शार्क्स की, जो है हैमर हेड शार्क्स। क्लियर? नेक्स्ट आया, कहते चाइनीज शिप आर फ्रीक्वेंट। अब कंसेप्ट है कि जो चाइनीज शिप्स रहती हैं वो फ्रीक्वेंट है इकादर के पानी में ड्यूरिंग ऑगस्त मंथ ऑफ द ईयर एज द कोल्ड हम्बोल्ट करंट्स ब्रिंग्स इन द न्यूट्रिएंट्स दैट लीड टू द हाई
कॉन्ग्रेशंस ऑफ द मेराइन स्पीशीज. अब कंसेप्ट क्या है, हम बोल्ड करंट पता क्या रहता है, ओशनिक करंट्स रहते हैं, वो इस तरीके से अगर चल रहे हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द साउथ अमेरिका एज अ कॉन्टिनेंट, ये हम बोल्ड करंट यहाँ से टकरा कर इस डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं और फिर से इस डायरेक्शन में ये निकल जाते हैं. सो दीज आर योर हम्बोल्ड करंट्स. अब हम्बोल्ड करंट्स आने के कारण यहां पे लिखा ना कि न्यूट्रिएंट्स, ये हम्बोल्ड करंट अपने साथ क्या लेकर आते हैं कि न्यूट्रिएंट्स दैट लीड टू द हाई कॉन्ग्रीगेशंस ऑफ द मेराइन स्पीशीज बहुत इकट्ठी हो जाती हैं और चाइना इसको कैप्चर करने के लिए आता है हमेशा. लिखा द हम्बोल्ड करंट्स ऑल्सो कॉल्ड पेरू करंट्स, यहां पर लिखा है इज अ कोल्ड, बिल्कुल ठीक है, कोल्ड है, लो सेलिनिटी है, काफी कम खारा होता है पानी, ओशन वाटर है, दैट फ्लोस नॉर्थ अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका. ये हमने अभी नोटिस किया यहाँ पे, स्टूडेंट्स क्लियर है. लिखा इवन 2016 में अर्जेंटीना कोस्ट गार्ड्स चेज्ड एंड सैंक अ वेसल दैट इट क्लेम्ड हैड बीन इलीगली फिशिंग इन द साउथ अटलांटिक ओशन. अब कंसेप्ट ये बने, यहाँ पे देखिए अर्जेंटीना के शिप वेसल्स ने चेज भी किया था चाइनीज वेसल्स को, क्लियर ना, क्योंकि इलीगल यहाँ पे फिशिंग की जा रही थी बाय द चाइनीज वेसल्स इन जुलाई से सितंबर, जो यहाँ पे हमने मेंशन किया और हमने पीछे डायग्राम को भी देखा उसके, सॉरी मैप को, क्लियर. आगे बढ़ते हैं हम लोग, हम मूव करते हैं आगे, नेक्स्ट पे देखते हैं. यहाँ पे लिखा गया कि द मैटर हैज बीन एस्केलेटेड, अब ये मैटर है जो एस्केलेट किया गया टू अ डिप्लोमेटिक लेवल, अब डिप्लोमेट्स के जरिए ही ये लेवल को सुधारा गया, एंड इकादर हैज ऑफिशियली एक्सप्रेस इट्स डिसकंफर्ट टू द चाइना. इकादर हैज ऑल्सो स्टेटेड दैट, तो इकादर ने भी स्टेटमेंट दी है दैट इट विल डिस्कस द थ्रेट विद द पेरू, चाइल, कोलंबिया, पनामा कोस्टल कंट्रीज ऑफ द रीजन दैट हैव ऑल्सो बीन अफेक्टेड इन द पास्ट, क्लियर. तो यहाँ पे ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से कि इकादर के पास पास आपको कौन कौन से छोटे छोटे कोस्टल कंट्रीज देखने को मिलते, एक तो पेरू, चाइल, कोलंबिया, पनामा, क्लियर. Even the United States of America, USA, which is already opposing China, अब USA already oppose कर रहा है China को on the multiple fronts, express its support for the इकादर. तो China ने, USA ने भी इकादर को support देने का फैसला किया क्योंकि वो पहले से ही China के oppose है. The USA has also expressed that it is against any aggressions directed toward the economic and the environmental sovereignty. Again important. अब कंसेप्ट आ गया, अब कहां तक ये बात जा चुकी है इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल सोवरेनिटी तक, ये बोला गया है यूएसए के द्वारा कि आप लोग किसी को हार्म नहीं कर सकते. यहां पे लिखा कि चाइना मेंटेन दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फिशिंग नेशन विद अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड इलीगल फिशिंग. इट ऑल्सो सेड दैट चाइना रिस्पेक्ट इकादर. अब चाइना की स्टेटमेंट आती है कि वो इकादर की रिस्पेक्ट करता है, मेजर्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड preserves maritime resources. Clear ये वाली चीज, ये चाइना का स्टेटमेंट आया था. आगे बढ़ते हैं, यहां पे लिखा कि गैलापागोस आर्किपेलागो को क्या चीज है जहां पे आपके चाइनीज वेसल देखने को मिले, ये पैसिफिक ओशन में है, ठीक. तो ये रहा आपका इकादर. यहां पे लिखा द गैलापागोस आइलैंड स्प्रेड करता है 60,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में और ये इकादर का पार्ट है, याद रखें ये इकादर का पार्ट रहता है. कहते ये आइलैंड लोकेट करता है पैसिफिक ओशन में और अराउंड 1,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट. अब कंसेप्ट है ये आपका साउथ अमेरिका है ना, क्योंकि इकादर इज द पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट. तो यहां से गैलापागोस से इकादर का आपको 1,000 किलोमीटर तक का डिफरेंस देखने को मिलता है, मतलब डिस्टेंस है इन बिटवीन, सॉरी, ठीक. यहां पे आगे देखते हैं, जस्ट अ मिनट. नेक्स्ट बोला गया कि इकादर मेड अ पार्ट ऑफ गैलापागोस. अब इकादर ने गैलापागो आइलैंड पे उसका कुछ हिस्सा आइलैंड का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1935 में बनाई एंड सेंचुरी बिकम द गैलापागोस नेशनल पार्क इन द 1959. ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि 1935 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई थी गैलापागो आइलैंड के कुछ हिस्से में और वही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर कर दिया गया गैलापागोस नेशनल पार्क इन 1959. इवन 1978 में गैलापागो आइलैंड को यूनेस्कोस फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया गया. बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट.
प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा द ब्रिटिश नेचुरलिस्ट कौन है, चार्ल्स डार्विन मेड की ऑब्जर्वेशंस इन द 1835 दैट शेप्ड हिज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशंस। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट आता है कि डार्विन डिस्क्राइब द आइलैंड एज अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है ये डाटा, ये डाटा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने क्या बोल दिया गैलापागो आइलैंड को वर्ल्ड इन इटसेल्फ, और इवन गैलापागो आइलैंड को यूनेस्को की तरफ से क्या लिखा गया, क्या बोला गया, फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1978। स्टूडेंट्स क्लियर है यहां तक, कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को। आगे फर्दर देखते हैं। ओके, हम अपनी नेक्स्ट न्यूज के ऊपर प्रोसीड करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या रहेगी कि क्वाड्रिलेटरल डायलॉग बिटवीन चाइना, नेपाल, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। क्लियर है, तो इसको देखते हैं यहाँ पे ये क्या चीज है, और ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा जीएस पेपर टू के लिए। तो जनरल स्टडीज पेपर टू के लिए ये आपकी न्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लियर है, तो स्टूडेंट्स मैं वेट करता हूँ, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखें। एनीवन एनीवन है इज हैविंग डाउट, तो मैं 10 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ आप लोगों के लिए। देखें ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा गया कि चाइना कन्वेंड अ क्वाड्रिलेटरल डायलॉग विद अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान, नेपाल एंड पाकिस्तान। कंसेप्ट है कि चाइना ने कन्वेंड किया क्वाड्रिलेटरल डायलॉग बिटवीन द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ अफगानिस्तान, नेपाल एंड पाकिस्तान। क्लियर, लिखा गया कि चाइना ने प्रपोज किया 4 पॉइंट प्लान, अरे 4 पॉइंट प्लान प्रपोज किया गया चाइना की तरफ से टू कंटेन कोविड-19 पैंडमिक, ताकि कोविड-19 पैंडमिक को रोका जा सके और बूस्ट की जा सके इकोनॉमिक रिकवरी जो गिरी है कोविड-19 आउटब्रेक के कारण, एंड रिजम्पशंस ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्कीम को फिर से हम रिजम्प कर सकें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब स्टूडेंट्स व्हाट डू यू मीन बाय BRI, इसके ऊपर आप लोग प्लीज थोड़ा डाटा एड ऑन कीजिए। यहां पे लिखा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, व्हाट डू यू मीन बाय BRI। अब यहां पे मैं शुरू करता हूं नंबर वन कि BRI है क्या चीज आप लोगों के लिए। कहते इट इज एन एम्बिशियस, कि इट इज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट दैट फोकस ऑन कनेक्टिविटी एंड कॉपरेशन। कंसेप्ट देखिएगा, जो आपकी कनेक्टिविटी को और कॉपरेशन को फोकस करता है आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट एमंग मल्टीपल कंट्रीज, और कई कंट्रीज के बीच में, मल्टीपल कंट्रीज स्प्रेड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। तो ये बोलना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर। क्लियर, इवन अगर एक और यहां पे देखा जाए, डाटा एड ऑन किया जाए कि इनिशियली अगर पहले की बात करें, अनाउंस्ड इन कब किया गया था, 2013 में, और लिखा द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व। अब ये जो आपका प्रोजेक्ट है वो क्या इन्वॉल्व करता है, बोला गया कि एक तो बिल्डिंग नेटवर्क्स ऑफ रोडवेज, रेलवेज, इवन मैरिटाइम पार्ट्स, सॉरी पॉट्स नॉट पार्ट्स, पावर ग्रिड्स, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस। तो स्टूडेंट्स
ये एक बेसिक डेफिनेशन बोल सकते हो अंडर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे किसको फोकस किया गया? ये फोकस किया गया कनेक्ट करना है कॉपरेशन अमंग द मल्टीपल कंट्रीज, एशिया को भी इंक्लूड किया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को भी इंक्लूड कर लिया, यूरोप को भी इंक्लूड कर लिया। अगर ओवरऑल मुद्दा देखा जाए तो, अगर ओवरऑल हम लोग इसको थॉट को देखें, इसके आउटपुट को देखें, तो चाइना अपना धीरे धीरे करके टेरिटरी को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ लिखा कि इनिशियली ये अनाउंस किया गया था 2013 में। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व क्या क्या है इसके अंदर? रोडवेज, रेलवेज, मैरिटाइम पोर्ट्स, पावर ग्रिड, ऑयल एंड द गैस पाइपलाइंस। और हमने रेलवेज को, सॉरी रोडवेज को देख ही रखा था। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये आज के इसी सेशन में मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सीपैक, जिसने भारत ने अपोज किया था, क्योंकि सीपेक वो रूट यूज कर रहा था जो भारत का था, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तभी तो इंडिया ने, भारत ने अपोज किया। देखते हैं यहाँ पे तो 4 पॉइंट प्लान इंक्लूड क्या है इसके अंदर, तो देखें यहाँ पे लिखा टू शेयर कंसेंसस इन फाइटिंग द पैंडेमिक एज गुड नेबर्स, ठीक है, टू लर्न फ्रॉम द चाइना पाकिस्तान ज्वाइंट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मोड ऑफ द पैंडेमिक। ओके, यहाँ पे थर्ड पॉइंट आया टू लुक एट ओपनिंग अप ग्रीन चैनल्स एज सून एज पॉसिबल बाय द 4 कंट्रीज, चाइना एक्सपर्टाइज टू द 3 कंट्रीज इन फाइटिंग कोविड-19। अब चाइना एक्सपर्टाइज करेगा नेपाल को, पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को कि हम कि सॉरी ये लोग किस तरीके से कोविड-19 से फाइट कर सकें। इट ऑल्सो इंक्लूड वैक्सीनेशन, जिसके अंदर वैक्सीनेशन होंगी दैट आर बींग डेवलप्ड टू बी शेयर्ड विद द 3 कंट्रीज, पाकिस्तान, नेपाल एंड अफगानिस्तान एक्टिवली सपोर्टेड द 4 पॉइंट कॉपरेशन इनिशिएटिव प्रपोज बाय द चाइना। क्लियर है? यहाँ पे लिखा कि चाइना ऑल्सो प्रपोज, अब चाइना ने प्रपोज किया था ना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये रहा था, हमने ये बहुत बेसिक से पढ़ा था। यहाँ पे एक गवादर पॉट था, गवादर पॉट है चाइना ने बनाया पाकिस्तान के लिए, और ये कहाँ से चल रहा है? ये आपका जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसी के तहत ही, ये चाइना की एक प्रोविंस रहती है कशगर से ये चल रहा है गवादर पॉट तक, और गवादर पॉट से बिल्कुल यहीं पे 72 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे एक छबार पॉट है जो भारत ने शुरू किया था। क्लियर है? हालांकि इंडिया अब ड्रॉप हो चुका है उस प्रोजेक्ट से ड्यू टू सम स्पेसिफिक रीजंस, वो आपने देखा है। अब व्हाट डू यू मीन बाय चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यहीं पे मैं मेंशन करता हूं, कहते इट इज अ बायलेटरल प्रोजेक्ट। यहां एक जस्ट अ मिनट, हम लोग एक पेज ही ले लेते हैं, बढ़िया रहेगा। जस्ट अ सेकेंड, यहां पे हम लोग देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक जिसको बोल दिया, तो थोड़ा सा ध्यान देना, कहते इट इज बायलेटरल प्रोजेक्ट, ये एक बायलेटरल प्रोजेक्ट है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान ना, बिल्कुल ठीक है, बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, मैं पीएनसी लिख रहा हूं, ठीक। कहते इसी के तहत क्या है इंटेंडेड टू प्रमोट, किसको प्रमोट करना है? प्रमोट कनेक्टिविटी अक्रॉस द पाकिस्तान विद द नेटवर्क ऑफ, अब कौन सा नेटवर्क? विद द नेटवर्क ऑफ हाईवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस। अरे मैं ये तो फिर से लिखने लग गया ना, हाईवे, रेलवे, पाइपलाइन। सर आपने ये चीज पढ़ी थी स्टूडेंट्स, अभी पढ़ी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, तो उसी के तहत तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आया था, अकम्पेनियंड बाय एनर्जी इंडस्ट्रियल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
लिंकिंग किसको लिंक करता है? लिंकिंग द वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना टू द गवादर पॉट इन बलूचिस्तान, जो आपका पाकिस्तान के अंदर है। तो स्टूडेंट्स, ये है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो लिंक करता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना से लेकर गवादर पॉट बलूचिस्तान तक, जो पाकिस्तान में है। इवन हमने ये चीज पढ़ी, ये रहा आपका काशगढ़, चाइना का वेस्ट हिस्सा, और ये रहा आपका गवादर पॉट, जो बलूचिस्तान में है आपका पाकिस्तान में। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? बढ़े आगे हम लोग। ओके, यहां पर लिखा कि टू अफगानिस्तान एज वेल एज टेकिंग फॉरवर्ड एन इकोनॉमिक कॉरिडोर प्लान विद नेपाल कॉल्ड द ट्रांस हिमालयन मल्टी डिमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क। अब कंसेप्ट है ट्रांस हिमालयन मल्टी डिमेंशनल है ये कनेक्टिविटी नेटवर्क। क्लियर? अब व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांस हिमालयन मल्टी डिमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क? इसके ऊपर देखिए आप लोग कि जो आपका ट्रांस हिमालयन मल्टी डिमेंशनल कनेक्टिविटी है वो क्या चीज है आपकी। देखें यहां पे कहते द नेपाल चाइना ट्रांस हिमालयन मल्टी डिमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क है जो वो स्टार्ट किया गया स्टार्टिंग फ्रॉम चेंगदूर। ये कहां पे आपका चेंगदूर, फ्रॉम वेयर इट इज लिंक्ड टू तिब्बत। कंसेप्ट देखिए आप लोग, तिब्बत तक कनेक्टिविटी लेकर आए हैं अंडर द ट्रांस हिमालयन मल्टी डिमेंशनल कनेक्टिविटी तिब्बत बाय द सिचुआन तिब्बत हाईवे एंड रेलवे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर ट्रांस हिमालयन मल्टी डिमेंशनल कनेक्टिविटी। क्लियर है? जो नेपाल और चाइना को कनेक्टिविटी दे रहे हैं, एक अगर इसका मोटिव देखा जाए तो कोई डाउट तो नहीं है यहां पे आपको। आगे प्रोसीड करें फर्दर। ओके, यहां लिखा कि ऑल द फोर कंट्रीज, अब ये सारे के सारे चार कंट्रीज जो चाइना नेपाल पाकिस्तान अफगानिस्तान है, वो सपोर्ट हैं मेंटेनेंस ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, स्ट्रेंथन द रोल ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बैक। अब ये किसको बैक कर रहे हैं? बैक द रियलाइजेशन ऑफ अ सीज फायर इन द अफगानिस्तान ड्यूरिंग द एपिडेमिक। क्लियर? And the peace and the reconciliation process in Afghanistan. तो reconciliation process भी अफगानिस्तान को लेकर आना है, ये भी पार्ट था quadrilateral dialogue के बीच में। Clear? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखते हैं, कहते China asked the three countries, अब China ने तीन countries से पूछा at the quadrilateral meet to take advantage of their geographical strength, ताकि वो अपना एडवांटेज ले सकें उसके ज्योग्राफिकल लोकेशंस को देखते हुए। स्ट्रेंथन द एक्सचेंजेस एंड द कनेक्टिविटी बिटवीन द फोर कंट्रीज एंड द सेंट्रल एशिया। अरे सेंट्रल एशिया को कैसे, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान ही तो एक रूट है सेंट्रल एशिया की तरफ जाना। एंड सेफ गार्ड रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। क्लियर? नेक्स्ट आया द रिमार्क एज्यूम्स सिग्निफिकेंस एज इट कम्स एमिड द बॉर्डर टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भारत के जितने भी यहां पे क्वाड्रिलेटरल डायलॉग हुए चाइना नेपाल पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, ये सारे के सारे इंडिया के नेबर्स हैं। और ये चाइना इसीलिए तो ये क्वाड्रिलेटरल डायलॉग को हेल्ड करवा रहा है ताकि जो अपना भारत है उसको कहीं ना कहीं से ड्रॉबैक हो सके। क्लियर? तो ये प्रॉब्लम है यहां पे। नेपाल इंडिया का नेबर, नेपाल से भारत के बहुत अच्छे रिलेशंस रहते हैं, चाइना जिससे हम लोग टेंशन से फेस कर रहे हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान, तो ये कंसेप्ट है आपका। और चाइना इन सभी नेबर्स को एक मीटिंग में, यानी कि जिसको बोला गया कि क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, वो कुछ ऐसा कर रहा है जिससे कि भारत के ऊपर दबाव पड़ता रहे। ठीक? और ये 360 डिग्री से इंडिया को कवर अप भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कवर अप करने की, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है। आगे चलते हैं कि द क्वाड्रिलेटरल मीटिंग ऑल्सो केम एट द टाइम ऑफ डीपनिंग कंसर्न ओवर द इंडियन नेपाल रिलेशंस ड्यू टू द बॉर्डर डिस्प्यूटेड काला पानी। अरे कंसेप्ट आ गया, ये क्वाड्रिलेटरल मीटिंग भी उसी टाइम पे हुई थी जब भारत और नेपाल के बीच में प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि नेपाल ने जो एक नया पॉलिटिकल मैप जारी किया था जिसके अंदर काला पानी लिपू लेक उसने अपने टेरिटरी के अंदर बताए थे। ये हमने न्यूज़ को भी पढ़ा स्टूडेंट्स,
अगर किसी से स्किप हो गया तो प्लीज आप लोग वो न्यूज को बहुत अच्छे ढंग से देखें। हमने वेल डिटेल स्टडी की थी ये पॉइंट को लेकर, ये पॉइंट को लेकर हमने एक अलग ही करंट अफेयर बनाया था। क्लियर है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज रहती है आज की, अगाती आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 2 के लिए। मैं शुरू करूं? ओके, यहां पे लिखा जो सदरन बेंच है किसका, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, हैज ग्रांटेड। तो इन्होंने ग्रांट मतलब सदरन बेंच मतलब जो साउथ इंडिया में इसका बेंच है, क्योंकि आपको एक इसका बेंच न्यू दिल्ली में भी देखने को मिलता है। तो अभी तो यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन किया कि सदरन बेंच नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का उन्होंने ग्रांट किया इंटरिम स्टे ऑन फिलिंग ऑफ कोकोनट ट्रीज ऑन द अगाती आइलैंड इन द लक्षद्वीप, ताकि कोकोनट की खेती मैक्सिमम अगाती आइलैंड पे हो जाए, लक्षद्वीप पे। इवन याद रखना लक्षद्वीप में अब सबसे ज्यादा पूरे भारत में ऑर्गेनिक खेती हो रही है फॉर द कोकोनट। क्लियर। रिसेंटली अ पटिशन वॉज मूव्ड, अब एक पटिशन भी मूव की गई थी इन द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ओवर द इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ द कोकोनट ट्रीज फॉर अ बीच रोड। क्लियर, जो बीच सड़क को तैयार करने के लिए इनडिस्क्रिमिनेटली कोकोनट के पेड़ों को काटा जा रहा था, उसी के लिए एक पटिशन भी लगाई गई थी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, वो था जो साउथ बेंच था आपका। ठीक, द ट्री फेलिंग वॉज वायलेटिंग द यूनियन टेरिटरीज इंटीग्रेटेड आइलैंड मैनेजमेंट प्लान। इंपॉर्टेंट, ये कौन सा प्लान है, वो है इंटीग्रेटेड आइलैंड मैनेजमेंट प्लान, IIMP। क्लियर, यहाँ पे लिखा है कि जो इंटीग्रेटेड आइलैंड मैनेजमेंट प्लान है वो फॉर्मुलेटेड किया जाता है किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट जो सबमिट की गई है बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किए थे ये रिपोर्ट को बनाने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी। याद रखें हमने अभी पढ़ा ना कि फॉर्मुलेटेड किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने यही एक रिपोर्ट तैयार करवाई थी एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा, और जिसके हेड थे हेडेड बाय द जस्टिस RV रविंद्रन, अ फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पे लिखा कि जो आपका इंटीग्रेटेड आइलैंड मैनेजमेंट प्लान है आपका, हॉलिस्टिक आइलैंड डेवलपमेंट प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय द, ये कौन प्रिपेयर करता है आपका, ये प्रिपेयर किया जाता है नेशनल सेंटर फॉर द सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट के द्वारा। क्लियर है, और ये आपका जो NCSCM है ये क्या है, इस एस्टैब्लिश अंडर, ये किसके अंडर है आपका, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। कौन, नेशनल सेंटर फॉर द सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट। क्लियर है, फॉर इंप्लीमेंटेशन बाय द कोस्टल स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज द IIMP अंडरटेक साइंटिफिक अप्रोच। अब इन्होंने क्या साइंटिफिक अप्रोच यूज की, कपल्ड विद इंडिजीनियस नॉलेज फॉर द बेटर मैनेजमेंट ऑफ द आइलैंड एंड इट्स रिसोर्सेज। इन्होंने एक साइंटिफिक अप्रोच भी यूज की है और नॉलेज भी यूज की, ताकि ये लोग बेटर मैनेज कर सकें अगाती आइलैंड को और उसके रिसोर्सेज को। कहते ड्यू टू द लार्ज स्केल कटिंग, अब बहुत भारी मात्रा में जो नारियल के पेड़ काटे गए, लोकल रेजिडेंट्स आर अफेक्टेड बाय लूजिंग इनकम फ्रॉम द ट्री प्रोड्यूसर्स। बिल्कुल, उनकी इनकम में भी काफी गिरावट देखने को मिल गई है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है, कहते इट ऑल्सो पोजेसेस एंड एनवायरमेंट चैलेंज। अब ये ट्रीज कटिंग होने के कारण जो इकोनॉमिक लॉस हुआ वो तो हमने देख लिया, अब इससे आपका एनवायरमेंटल चैलेंज भी होता है, एनवायरमेंट में प्रॉब्लम आते हैं। क्यों, कहते बिकॉज द ट्रीज ऑन द कोस्ट लाइन, जो आपके समुन्द्र तट पे जो आपके पेड़ मिलते हैं वो एक्ट एज अ ग्रीन बेल्ट। क्यों, टू प्रोटेक्ट द रेस्ट ऑफ द आइलैंड ड्यूरिंग साइक्लोन्स एंड द अदर नेचुरल कैलामिटीज। बिल्कुल सही है ना, आप बेसिक पढ़ सकते हो कि ये तो सॉइल इरोजन को बचाते हैं, ये जो हमें बहुत स्ट्रांग विंड्स रहती हैं आइलैंड, उस मतलब जो स्ट्रांग विंड्स एंटर करती हैं आइलैंड में, तो ये कोकोनट ट्रीज उस आइलैंड को बचाते हैं स्ट्रांग विंड से। तभी तो लिखा कि ग्रीन बेल्ट, तभी तो यहाँ पे मेंशन किया कि एनवायरमेंट चैलेंज है। क्लियर, तो इकोनॉमिक लॉस देखने को मिला, एनवायरमेंटल चैलेंज फेस किए जाएंगे अगाती आइलैंड पे जो लक्षद्वीप में है। क्लियर, आगे देखते हैं अगाती आइलैंड क्या चीज है स्टूडेंट्स। तो यहां पे लिखा कहते ये अगाती आइलैंड इट इज अ डिस्टेंस ऑफ 459 किलोमीटर, या फिर आप बोल सकते हो 248 नॉटिकल माइल्स, जो
कोची से है, 459 किलोमीटर्स या फिर 248 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोची केरला में, एंड इज लोकेटेड, और ये अगाती आइलैंड कहाँ पे है, कारावती आइलैंड के वेस्ट पे, कारावती आइलैंड के वेस्ट पे आपको अगाती आइलैंड मिल जाएगा। और कारावती क्या है, एक्टिंग लाइक द कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। क्लियर। अब आपका अगाती आइलैंड एरिया कितना कवर कर रहा है, 3.84 स्क्वायर किलोमीटर्स का, हैज अ नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ट्रेंड्स विद अ लॉन्ग टेल ऑन द साउथ। ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, सॉरी करेक्टरिस्टिक्स नहीं, आप डायमेंशंस बोल सकते हो सेकंड पॉइंट पे। द लगून एरिया, अब कंसेप्ट है जो अगाती आइलैंड का लगून एरिया है आइलैंड का, वो है 17.50 स्क्वायर किलोमीटर्स का, एंड देयर इज अ प्लेंटी ऑफ कोरल ग्रोथ एंड द मल्टी कलर्ड कोरल फिशेस इन द लगून इंपॉर्टेंट। ये चीजें आपको पूछी जाती है यूपीएससी के अंदर कि कोरल ग्रोथ है ना, मल्टी कोरल ग्रोथ फिशेस हमें कहाँ पे देखने को मिली, मैक्सिमम अगाती आइलैंड पे आपने पढ़ा है तो आप लिख सकते हो एज एन एग्जाम्पल। क्लियर। अगर क्रॉस द फॉलोइंग में क्वेश्चन आते हैं, सॉरी मैच द फॉलोइंग में, नेक्स्ट आया कि फिशिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। ठीक है, फिशिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री रहती है अगाती आइलैंड के लिए, वैसे बेसिकली आइलैंड के लिए एक फिशिंग इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट ही रोल प्ले करती है, विच इज परहैप्स द ओनली आइलैंड बिसाइड्स मिनिकॉय गेटिंग द सरप्लस फिशिंग नेक्स्ट टू फिशिंग। कहते कोर मतलब कोकोनट फाइबर एंड द कॉपरा मतलब ड्राइड मीट और कर्नियल ऑफ द कोकोनट आर द मेन इंडस्ट्रीज ऑफ अगाती आइलैंड। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक अपनी ये भी न्यूज़ कवर होती है, और अब टाइम परमिट नहीं कर रहा है कि नेक्स्ट न्यूज़ के लिए हम लोग मूव कर पाएँ, और यहाँ तक का मैं आपका सेशन अब यहीं तक एंड करता हूँ। और किसी को ये सेशन के अंदर कोई डाउट है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। क्लियर है ना। और बात रही थी अगर पीडीएफ की, तो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप लोग अपनी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली। बस आप लोग मेरे साथ बने रहें और हम लोग इसी तरीके से करंट अफेयर्स को कवरअप कर देंगे बहुत जल्द ही। क्लियर। सो थैंक यू फ्रेंड्स।